बीना चौधरी एंड वी हैव स्टार्टेड थर्मोडायनामिक्स. इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ थर्मोडायनामिक वी हैव सीन फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक एंड इट्स मैथमेटिकल इक्वेशन. बट स्टूडेंट, बिफोर गोइंग टू केमिकल थर्मोडायनामिक फर्स्ट इक्वेशन, वी हैव डिस्कस्ड वन थर्मोडायनामिक टर्म एंड दैट वॉज नोन एज इंटरनल एनर्जी. आई होप स्टूडेंट यू रिमेंबर वॉट इज इंटरनल एनर्जी. Internal energy is all the combination of energy that is present in a system. So student, now today we are going to talk about another new term of thermodynamic. It is specifically thermodynamic oriented term and that is known as enthalpy. So student, today we are going to see what is enthalpy and how we can use enthalpy, whether enthalpy is a state function or path function. So student, what is internal energy? Internal energy was combination of all energy. It was a combination of kinetic energy, potential energy and all those. So enthalpy kya hota hai? Let us see. The word enthalpy, here the word enthalpy which is written is derived from a word heat. So it means nothing but it means heat. एंथैल्पी जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है, इट मीन्स हीट. तो कहाँ से हीट और किस तरह का हीट, लेट अस टॉक अबाउट. अब अगर हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो उसके लिए हम एक पिस्टन ले लेते हैं. फिर से हमारा जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है, ओके स्टूडेंट. या तो फिर मैं एक ओपन कंटेनर ले लेती हूँ रादर देन टेकिंग अ पिस्टन. ये मेरे पास एक ओपन कंटेनर है और इस ओपन कंटेनर के अंदर सपोज कर लेते हैं कि इट इज़ फिल्ड विथ सम काइंड ऑफ लिक्विड. मेरे इस ओपन कंटेनर के अंदर लिक्विड जो है वो फिल किया हुआ है. अब स्टूडेंट, अगर मैं इस लिक्विड को नीचे से हीट करना स्टार्ट कर दूँ, दैट मीन्स आई स्टार्ट हीटिंग. सो वॉट विल हैपन इफ आई स्टार्ट हीटिंग? Now student, it is very obvious, as I will heat, my liquid will get converted into gas. And if I am heating gas, for an example, अभी हम ये consider कर रहे हैं कि हमारे container में liquid है. But अगर ऐसा हो कि मेरे container में liquid नहीं, gas ही था हो, और मैं अगर gas को और ज़्यादा heat करती हूँ तो क्या होगा बच्चों? तो उस condition में जो तुम्हारे gas की size है, जो तुम्हारे गैस मॉलिक्यूल्स है, उसका वॉल्यूम धीरे धीरे क्या होगा? एक्सपांड होगा, राइट? दैट मीन्स इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा. स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि एंथैल्पी होता क्या है. तो सबसे पहले एक सिंपल टर्म में अगर बोला जाए एंथैल्पी है क्या, तो एंथैल्पी इज अ हीट कंटेंट. किसी भी सिस्टम के अंदर जो हीट कंटेंट होता है, मतलब जो उसकी थर्मल एनर्जी होती है, उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं. बट यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट कंटेंट है, हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, बट एक कंडीशन जो है, फॉर एन एग्जांपल ये मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट एनर्जी है या जो थर्मल एनर्जी है, हम उसी को क्या बोलते हैं बेटा? एंथैल्पी बोलते हैं. बट एंथैल्पी में एक कंडीशन जो है वो आपको रखनी होती है, मतलब हम एंथैल्पी मेजर करते हैं ऑलवेज बाय कीपिंग आर प्रेशर कांस्टेंट. उस समय पे हमें अपना प्रेशर जो है बेटा वो कांस्टेंट रखना पड़ता है. तो व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर जो है वो हमारा कांस्टेंट होगा. दैट मींस माय प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज. मेरा जो प्रेशर है वो प्रेशर चेंज नहीं होगा, इट इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज. अब मैं अगर ओपन कंटेनर में कर रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर तुम ये एग्जांपल देख लो, तो ये मेरे पास एक ओपन कंटेनर था. इस ओपन कंटेनर के अंदर मैंने लिक्विड फिल किया है और मैंने लिक्विड फिल किया है और मैं उसको नीचे से हीट कर रही हूँ. मैंने इसको हीट एनर्जी जो है दे दी है, मतलब सराउंडिंग से जो एनर्जी है वो कहाँ पे जा रहा है? सिस्टम के ऊपर जा रहा है. बेटा ये जो कंटेनर है ना, दिस कंटेनर इज गोइंग टू एक्ट एज अ सिस्टम फॉर मी राइट नाउ. तो स्टूडेंट, इफ आई टेल यू व्हाट विल हैपन इन दिस सिनेरियो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन.
अब अगर मैंने यहाँ पे अपना टेम्परेचर इंक्रीज किया, विच यू कैन सी डायरेक्टली, मैं हीट दे रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। माई टेम्परेचर विल इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इन उसके अंदर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, दैट मीन्स तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर मेरा इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, दैट मीन्स मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो इफ माई टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन माई इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी मतलब क्या हो रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। अब बेटा अगर मैंने अपना प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखा होता ना तो मेरा प्रेशर भी इंक्रीज होता, राइट? बट मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे एक ओपन कंटेनर में कर रही हूँ, और हमें पता है ओपन कंटेनर में जो प्रेशर लग रहा होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर मी इज राइट ना 1 atm, 1 atmospheric प्रेशर। अभी मेरे पास जो मेरा प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मैं क्या देखूंगी कि यहाँ से जो मेरा प्रेशर तो सेम है, लेकिन उस सेम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मेरा जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। देयर फॉर वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसको हम पिस्टन के भी हेल्प से समझेंगे, बिकॉज हम थर्मोडाइनामिक्स में इतने सारे एग्जाम्पल्स जो है वो पिस्टन के थ्रू कर सकते हैं, कि ये ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए आप पिस्टन से ज़्यादा फेमिलियर हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मैंने एक ओपन कंटेनर के अंदर हीट दिया, ठीक है। हीट देने की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, हीट दिया मतलब पहला चेंज जो आएगा ना, वो चेंज है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा चेंज क्या आएगा बच्चों, प्रेशर कांस्टेंट रखा है नहीं तो प्रेशर भी बढ़ता, बिकॉज हम इनिशियली पढ़ते आए हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाया मतलब प्रेशर हैज़ टू इंक्रीज। बट अब अगर मैंने अपना प्रेशर सेम रखा है तो सेम प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ये जो बीकर है वो अपना वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दो चीज़ें जो है यहाँ पे चेंज हो रही है, और प्रेशर भी इंक्रीज होगा अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रखा होता तो। अब स्टूडेंट हम इसको समझते हैं एक और न्यू एग्जाम्पल के साथ, और अभी जो मेरा एग्जाम्पल होगा, दिस टाइम वी आर टेकिंग अ मूवेबल पिस्टन। ये मेरे पास एक मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन की पोजीशन है, ओके बेटा। अब पिस्टन में प्रेशर मेंटेन करने के लिए मैंने इसके ऊपर कुछ वेट्स लगा दिए हैं, और यहाँ पे मेरे पिस्टन के अंदर एयर फिल्ड है, सो देयर इज अ गैस इनक्लोज्ड पिस्टन। ये एक गैस इनक्लोज्ड पिस्टन है, ओके। ना स्टूडेंट मैं क्या करूँगी, मैं इस पिस्टन को हीट करूँगी, मतलब मैं बाहर से क्या कर रही हूँ, मैं बाहर से इसको हीट दे रही हूँ, मैं इस सिस्टम को जो मेरा पिस्टन है उसको बाहर से हीट सप्लाई दे रही हूँ। तो बेटा अगर मैंने हीट सप्लाई दिया बाहर से तो अंदर सबसे पहले मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट स्टूडेंट्स, मेरा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर को भी बढ़ना है, बट क्योंकि बाहर से हमने वेट लगा के उसको क्या मेंटेन किया है, हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं बच्चों कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे हमने अपना कांस्टेंट प्रेशर एज इट इज मेंटेन किया हुआ है, सो माय प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो टू मेंटेन दैट कांस्टेंट प्रेशर, नाउ व्हाट योर पिस्टन विल डू हियर, ये सेम तुम्हारा वही पिस्टन है, अब जब हीट करते करते क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने की वजह से तुम्हारा पिस्टन जो है अपनी वॉल्यूम को चेंज कर देगा, योर पिस्टन विल चेंज इट्स वॉल्यूम, सो दैट प्रेशर को क्या किया जा सके, कांस्टेंट मेंटेन रखा जा सके। ये मेरे पास आ गया सेम, बट माई वॉल्यूम, नाउ देयर इज चेंज इन वॉल्यूम, मेरा वॉल्यूम यहाँ पे V2 था और यहाँ पे मेरा वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, V1 हो गया। स्टूडेंट होता क्या है, एंथैल्पी अगर सिंपल समझो तो,
किसी भी सिस्टम के अंदर अगर मैं हीट दे रही हूँ, मतलब मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ मतलब मैं उसका क्या कर रही हूँ, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही हूँ। तो उसकी वजह से जो सिस्टम के अंदर चेंजेस आते हैं, उसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। बेटा अब माइंड में एक चीज़ आती है कि टेम्परेचर इंक्रीज मतलब प्रेशर इंक्रीज, बट या तो हम इसको एक एयर ओपन कंटेनर में करते हैं, ओपन कंटेनर में कर रहे हैं, दैट मीन्स माई एटमोस्फियरिक प्रेशर विल रिमेन ऑलवेज 1 atm, अदरवाइज वॉट आई कैन सी इज कि मेरा यहाँ पे मैं एक पिस्टन की हेल्प लेके कॉन्स्टेंट प्रेशर थ्रू आउट मेंटेन कर रही हूँ। तो क्योंकि मैंने अपने प्रेशर को कॉन्स्टेंट मेंटेन करके रखा हुआ है ना बेटा, वॉट आई कैन सी हियर, उस कॉन्स्टेंट प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मेरा पिस्टन अपने वॉल्यूम को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू सी इन एंथैल्पी। किसी भी सिस्टम के अंदर जब मैं बाहर से हीट दे रही हूँ, मतलब मैं उसका हीट कंटेंट इंक्रीज कर रही हूँ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। माइंड स्टूडेंट, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम वेरिएबल प्रेशर पे ये काम नहीं करोगे और उसे हम एंथैल्पी नहीं बोलते। एंथैल्पी मीन्स हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सिंपल वर्ड में समझो हीट कंटेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब फिर तुमको ये समझ में आ जाएगा कि अगर मैंने किसी सिस्टम का हीट कंटेंट दिया है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, तो वो कॉन्स्टेंट प्रेशर मेंटेन करने के लिए वॉल्यूम चेंज होगा, तो इसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। अब इफ़ वी अंडरस्टैंड इन अ वेरी कॉमन टर्म, तो किसी भी सिस्टम को जब हम हीट देते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर में, तो सिस्टम के अंदर जो चेंज आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी इज डिराइव फ्रॉम अ वर्ड विच इटसेल्फ मीन एज अ हीट। स्टूडेंट यू विल ऑलवेज सी कि एंथैल्पी जो है इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल एच। एंथैल्पी जो है ये हमेशा आपको कैपिटल एच लेटर से देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट इसके बाद अगर हम देखें तो वी विल सी व्हाट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी और मैथमेटिकली हम एंथैल्पी को किस तरह से लिखते हैं। अब स्टूडेंट जिस तरह से तुम ये देखोगे कि इंटरनल एनर्जी का पता लगाना एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं था, राइट? हमने बोला था हम किसी भी सिस्टम के अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी है ये नहीं पता लगा सकते हैं, हम सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी आई और कितनी गई। बिल्कुल उसी तरह से स्टूडेंट इफ़ आई टेल यू तो तुम एंथैल्पी का भी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी कैन नॉट बी नोन टू अस स्टूडेंट। माइंड इट वेरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एच की वैल्यू तुमको नहीं पता होगी, एच की वैल्यू तुमको नहीं पता होगी, तुमको डेल्टा एच पता होगा, मतलब पहले कितना था और बाद में कितना है, तुम सिर्फ ये पता कर सकते हो। जैसे हमने इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में डेल्टा यू निकाला था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम डेल्टा एच निकालेंगे। लुक स्टूडेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू हियर इज एंथैल्पी कैन नॉट बी एग्जैक्टली नोन टू अस। एंथैल्पी हमें एग्जैक्टली पता नहीं होगी। वी कैन कैलक्युलेट चेंज इन एंथैल्पी। हम चेंज इन एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। सो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू सी अ डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी। हम डेफिनेशन देखें अगर तो क्या बोलता है, The enthalpy of a system is defined as, mark your definition, start from here, sum of internal energy. देखो ये क्या बोल रहा है, हम उसको लिखते हैं, ये बात कर रहा है H is equals to sum of internal energy, मतलब ये addition की कुछ बात कर रहा है, हमने वो plus sign लिख दिया, और साथ में बोल रहा है sum of internal energy, मतलब ये U की बात कर रहा है, okay students? So far हमने लिखा सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। यस वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सिस्टम एंड दी एनर्जी दैट अराइजेज ड्यू टू इट्स प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम। और इसके थ्रू जो एनर्जी अराइज होगी, मतलब ये बात करता है प्रेशर और वॉल्यूम की।
स्टूडेंट इसको मोस्ट और सिंपल टर्म में बोल सकते हो है एंथैल्पी इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट. आई विल राइट डाउन फॉर यू कि तुम ये समझ सको क्या होता है एंथैल्पी. एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी का सम एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट. और साथ साथ में ये प्रेशर वॉल्यूम का जो है प्रोडक्ट भी मेंटेन करता है. सो स्टूडेंट दिस इज व्हाट यू कैन सी. H इज इक्वल्स टू U प्लस PV. यही तुम्हारा मैथमेटिकल इक्वेशन है किसका एंथैल्पी का. वी विल कम टू दिस मैथमेटिकल इक्वेशन अगेन. वी विल राइट डाउन मैथमेटिकली मैथमेटिकली एंथैल्पी विल बी रिप्रेजेंटेड एज H इज इक्वल्स टू U प्लस PV. एंथैल्पी को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं U प्लस PV. अब तुम्हारा यहाँ पे H जो है इट इज स्टैंडिंग फॉर एंथैल्पी. U इज योर इंटरनल एनर्जी. P इज प्रेशर. स्टूडेंट्स हियर माई प्रेशर इज गोइंग टू रिमेन कॉन्स्टेंट. वो हम आगे जाके डेरिवेशन में इसको दोबारा से देखेंगे. और V इज बट ऑब्वियस वॉल्यूम और वो होगा तुम्हारा चेंज इन वॉल्यूम. ये बच्चों आपने एंथैल्पी को मैथमेटिकली लिख दिया. बट स्टूडेंट अब अगर मुझे एंथैल्पी कैलकुलेट करना है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा कि एंथैल्पी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. तुम इस H की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो. तो क्या कर सकते हैं हम बेटा. हम डेल्टा H की वैल्यू निकाल सकते हैं. मतलब पहले कितना था और बाद में कितना था बस हम यही कर सकते हैं. तो हम क्या लिखते हैं सिंस ऑफ और यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली डेल्टा H इज इक्वल्स टू H2 माइनस H1. मतलब हम फाइनल एंथैल्पी में से माइनस करेंगे किसको इनिशियल एंथैल्पी को. ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया. जिस तरह से बच्चों तुम माइनस करते थे डेल्टा U इज इक्वल्स टू U2 माइनस U1. डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1. डेल्टा P के लिए तुम P2 माइनस P1 कर सकते थे. अब इधर एक और क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट कि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है. तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस. अब बच्चों तुमने देखा होगा पाथ फंक्शन क्या होता है और स्टेट फंक्शन क्या होता है. थर्मोडायनामिक में स्टेट फंक्शन मतलब वो जिसे रास्ते से फर्क नहीं पड़ता है बट इट ओनली बॉदर अबाउट इनिशियल स्टेज एंड फाइनल स्टेज. वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है. प्रेशर स्टेट फंक्शन है. बच्चा इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है. हमें बीच में कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है. ठीक है. तो क्योंकि तुम्हारा इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, तुम्हारा प्रेशर स्टेट फंक्शन है, तुम्हारा वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है. अगर ये सब कुछ स्टेट फंक्शन है मतलब हमारा जो एंथैल्पी है वो भी स्टेट फंक्शन है. सो फॉर दैट इवन वी विल राइट डाउन दिस. सिंस यू दैट इज योर इंटरनल एनर्जी, पी दैट इज योर प्रेशर एंड वी विच इज योर वॉल्यूम आर स्टेट फंक्शन. आर स्टेट फंक्शन देयरफॉर योर एंथैल्पी दैट मीन्स योर H इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन. आपका जो एंथैल्पी है बेटा वो भी क्या है स्टेट फंक्शन है. यहाँ तक आई बात आपको समझ में. नाउ स्टूडेंट हमें ये पता चल गया कि एंथैल्पी को H से रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जैक्ट एंथैल्पी की वैल्यू नहीं पता लगा सकते हैं. डेल्टा H को फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी किससे H2 माइनस H1 से. फिर हमारे पास एक डेफिनेशन आया है एंथैल्पी. एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम का क्या है प्रोडक्ट है. नॉर्मल टर्म्स में समझा जाए तो एंथैल्पी क्या है किसी भी सिस्टम के अंदर जो टोटल हीट प्रेजेंट होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर जो हीट कंटेंट होता है. और अगर मैं बाहर से हीट दे रही हूँ तो उसकी वजह से जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है ऑल टुगेदर हम इसको कर दे इंटरनल एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम तो इट गिव्स मी अ एंथैल्पी.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, यहाँ पे मेरे पास H2 आ गया और मेरे पास H1 आ गया। अब स्टूडेंट यू कैन सी वेयर, अब अगर डेल्टा एच निकालना है मतलब H2 और H1 की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए। तो लेट अस सी वेयर H1 क्या हो सकता है बेटा, जाहिर सी बात है H1 विल बी U1 प्लस P1 एंड V1। यू विल राइट डाउन H1 इज इक्वल्स टू U1 प्लस P1 इनटू V1। एंड स्टूडेंट सिमिलरली जो तुम्हारा H2 है, H2 हो जाएगा U2 प्लस P2 इनटू V2। ये हमारे पास आ गई बेटा किसकी वैल्यू, H1 और H2 की वैल्यू। तो उससे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं एज इक्वेशन 1। हमने ऊपर मार्क कर लिया है इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं H1 और H2 की वैल्यू इन इक्वेशन 1। नाउ वी विल डू सब्स्टिट्यूटिंग H1 एंड H2, सब्स्टिट्यूटिंग H1 एंड H2 इन इक्वेशन 1। और मैं ये किस में सब्स्टिट्यूट करूँगी बेटा, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगी। तो यहाँ पे अब मुझे क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू, स्टूडेंट H2 की जगह पे आई विल बी राइटिंग U2 राइट प्लस P2 इनटू V2। ये पूरा टर्म मैंने किसके जगह पे लिखा है, द होल टर्म इज रिटन इन द प्लेस ऑफ H2। अब इसमें से बच्चा मुझे माइनस करना है, ठीक है, तो आई विल राइट डाउन माई माइनस हियर, माइनस करना है और मैं एक ब्रैकेट बना लेती हूँ H1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने से पहले, सो दैट थिंग्स बिकम इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड। अब H1 की वैल्यू तुमने क्या लिखी है बेटा, U1 प्लस P1 इंटू V1। ये मेरे पास आ गई किसकी वैल्यू, H1 की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू ओपन आवर ब्रैकेट्स, हम अपना ब्रैकेट जो है वो ओपन कर देंगे। तो उससे पहले भी अगर आप ये अपना ब्रैकेट ओपन करते हो तो व्हाट यू विल सी हियर, योर U2 प्लस P2 इंटू V2 एज इट इज माइनस U1 आ गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे माइनस प्लस आपको क्या मिल जाएगा, यू आर गोइंग टू गेट माइनस, और यहाँ पे आ गया P1 इंटू V1। ये तुम्हारे पास ब्रैकेट ओपन करने के बाद की जो है कंडीशन आ गई। अब इसके बाद हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपने इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। अब मैं जो अपना ये इक्वेशन है, आई एम मार्किंग इट एज इक्वेशन नंबर 2। आप डायरेक्टली भी करते हो इट इज ऑल फाइन। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अरेंजिंग इक्वेशन टू को अरेंज करके हमें क्या मिलेगा, वी गेट, लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, माय डेल्टा एच विल रिमेन एज इट इज स्टूडेंट एज यू नो। नाउ व्हाट आई कैन डू इज मैं U2 के टर्म्स को एक तरफ लिख सकती हूँ, मतलब मैं लिख दूंगी U2 माइनस U1। मैंने U को एक तरफ लिख दिया U2 माइनस U1 और मैं इसको एक ब्रैकेट में डाल देती हूँ। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास बचा P2 इंटू V2 माइनस P1 इंटू V1। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा जो इक्वेशन है वो मुझे कुछ इस फॉर्म में मिल गया है। अब बेटा डू यू रिमेंबर व्हाट इज U2, इफ आई टेल यू U2 माइनस U1 को हम क्या लिखते थे, U2 माइनस U1 को वी ऑलवेज राइट डाउन डेल्टा U, राइट? तो एट द प्लेस ऑफ U2 माइनस U1 स्टूडेंट आई विल राइट डाउन माय डेल्टा U, ओके, प्लस यहाँ पे मेरा डेल्टा H। साइमल्टेनियसली P2 माइनस P1 के लिए हम डेल्टा P लिखते थे और V2 माइनस V1 के लिए हम डेल्टा V लिखते थे। तो यहाँ पे हम एक कॉमन डेल्टा लेके दोनों को क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये मेरे पास इक्वेशन आ गया स्टूडेंट। बट अगर मैं देखूँ, मैं बहुत इनिशियली बोल रही हूँ कि एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी एक सिस्टम का हीट कंटेंट होता है, हीट सप्लाई करने की वजह से उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर।
तो क्योंकि हमने अपना प्रेशर कांस्टेंट रखा है, मतलब मुझे P2 P1 के फॉर्म में नहीं मिलेगा. आई विल राइट डाउन एट कांस्टेंट प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, P2 इज इक्वल टू P1. जैसा P2 होगा वैसा ही मेरा क्या होगा, P1 होगा. एंड दैट्स व्हाई आई विल राइट डाउन इट एज P, और मैं इसको P लिख दूंगी. मुझे डेल्टा P लिखने की जरूरत नहीं है. तो अब मेरा क्या इक्वेशन हो जाएगा, देयरफॉर एंथैल्पी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस P. को बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि P कॉमन है. यहाँ पे अगर P2 ना होके सिर्फ P होता तो व्हाट यू वुड हैव डन स्टूडेंट, पहले तुम P को बाहर लिख लेते फिर डेल्टा भी लिखते. बेटा मैं भी इस स्टेप में वही कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग समथिंग डिफरेंट देन दैट. मैंने सिंपली यहाँ पे सेम वही चीज़ कर दी और ये मेरा आ गया डेल्टा वी. ओके स्टूडेंट, तो तुम्हें मिल गया ये एक इक्वेशन. अब ये जो तुम्हारा इक्वेशन है, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ एंथैल्पी, और इसे तुम बोल सकते हो फाइनल इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी. क्या होता है बेटा, इंटरनल एनर्जी की वजह से, इंटरनल एनर्जी चेंजेस ड्यू टू इंक्रीज इन हीट, प्रेशर विल रिमेन एज इट इज बट इट विल ऑलवेज लेड टू चेंज इन प्रेशर. बट यहाँ पे तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. अब ये हमारे पास जो है एंथैल्पी का फाइनल इक्वेशन यहाँ पे आ गया. सो स्टूडेंट हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गया है एंथैल्पी का. अब यही इक्वेशन आपको आगे जाके न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है और इसके थ्रू हम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने वाले. सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपने क्या देखा है, एंथैल्पी क्या होता है. तो लेट मी टेल यू अगेन, एंथैल्पी क्या होता है, किसी भी सिस्टम के अंदर अगर मैं हीट कंटेंट दे रही हूँ तो उस हीट कंटेंट की वजह से उसके अंदर जो चेंज इन वॉल्यूम होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं. और लास्ट में हमने ये एंथैल्पी का एक फाइनल इक्वेशन निकाला है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये याद रखना है स्टूडेंट की एंथैल्पी जो है ये एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन था, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन था, वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन था, और इसलिए आपका जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी भी स्टूडेंट यहाँ पे स्टेट फंक्शन है. ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में हमने एंथैल्पी देख लिया है. इन नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सी रिलेशन. हम रिलेशन देखने वाले हैं इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का, डेल्टा यू और डेल्टा एच के बीच में जो रिलेशन होता है हम उस रिलेशन को डराइव करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग.